तो कैसे सारे के सारे, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस नए वीडियो में मैं, जैसे मैंने अपने जो पिछले वीडियो में बताया था कि YouTube के जो 3 जो नए नए गजब अपडेट आए हैं उनके बारे में मैं आज मेंशन करने वाला हूँ। तो वो जो अपडेट है वो सुन के आपको जो है आपका चैनल को जो है बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी YouTube जो है YouTube के हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि YouTube जो है अपना क्राइटेरिया जो है धीरे धीरे कम कर रहा है। तो जैसे कि पहले ये क्राइटेरिया किया था कि जो पोल्स लगा सकते हैं वो 1000 सब्सक्राइबर में होता था, बट अभी यूट्यूब ने जो है वो 500 सब्सक्राइबर में कर दिया है। अभी फिर जो यूट्यूब ने हाल ही में एक नया अपडेट लॉन्च किया है उसको भी अपना क्राइटेरिया को जो है वो कम कर दिया है। तो क्या है वो अपडेट्स हम सब इस वीडियो में बताएंगे, और यूट्यूब जो है ऐसे अपना जो है क्राइटेरिया कम कर रहा है। मुझे ये भी लगता है कि जो ये मोनेटाइज का क्राइटेरिया भी है वो भी शायद कम कर सकता है। तो क्या है वो अपडेट्स, यूट्यूब के 3 नए नए अपडेट्स आए हैं वो सब इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब बन के और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो अपडेट आया है वो आया है जो टैग करके लेके। टैग मतलब होता क्या है, जैसे हम बताते हैं, यूट्यूब में एक फीचर्स है जो आपका अगर चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होगा तो ही वो खुलेगा, बट यूट्यूब की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है वो फीचर्स को आपका चैनल में जो है 500 सब्सक्राइबर में ही यूट्यूब जो है कर देगा। वो फीचर्स ये है कि आपका चैनल में अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, वो अगर फीचर्स आप ऑन कर देंगे तो उससे होगा ये कि आप जो बड़े बड़े जो चैनल है जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग्स और जैसे टेक्निकल गुरुजी हुआ, उन सबको जो चैनल का है वो आप टैग कर सकते हो। टैग करने के बाद उनको जो है तो आप अगर मेंशन करते हैं तो उससे होगा क्या, उससे यही होगा कि जो आप जिस चैनल पे मेंशन करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे टाइटल में, उसको उसका जो जिस चैनल को भी आप मेंशन करेंगे उनके पास जो है नोटिफिकेशन भी जाएगा और उनके व्यूअर्स तक आपका वीडियो जो है वो पहुंचने का चांसेस होता है। ऐसा नहीं कि पहुंच ही जाएगा, हाँ चांस होता है कि पहुंच सकता है। तो कैसा लगा ये अपडेट जो यूट्यूब ने 500 सब्सक्राइबर में ही ये अपडेट, ये जो फीचर्स है उसको ऑन ऑन कर देगा। तो चलिए दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा अपडेट जो यूट्यूब की तरफ से आया है वो है यूट्यूब को YT स्टूडियो में आया है एक नया कार्ड यूट्यूब में जो ऐड हुआ है। जब आप ऑडियंस के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक नया कार्ड है, वो कार्ड का नाम है व्हेन योर व्यूअर्स आर एक्टिव। इसका मतलब होगा ये कि आपका जो व्यूअर्स है जो ऑडियंस है वो जिस समय एक्टिव रहेगा, या आप साइट पे देख सकते हैं जिस समय एक्टिव रहेगा उस समय आप अपना जो वीडियो है उसको डाल सकते हैं, उससे आपका व्यूज जो है अच्छा खासा आ जाएगा। तो ये भी जो आपने ये भी जो YouTube का एनालिटिक्स में जो नया फीचर्स आया है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरे अपडेट के बारे में, तीसरे अपडेट जो आया है वो है ऑटो चैप्टर। पहले क्या होता था, आप अपने चैनल में जो है आपका चैनल, अगर आपका चैनल का जो वीडियो है अगर लंबा होता था तो आप अगर चाहे तो अपने चैनल में जो है ऑटो चैप्टर जो है लगा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब अपने आपके चैनल में ही YouTube खुद से ही जो है चैप्टर्स लगा देगा। जैसे आप साइट में देख सकते हैं किसी के चैनल में जो ऑटो चैप्टर का जो फीचर्स है वो इनेबल हो गया है, शायद आपका भी जल्दी हो जाए, धीरे धीरे सबका ही हो जाएगा। तो ऑटो चैप्टर्स मतलब ये होगा कि अगर आप किसी पार्ट को देखना चाहते हैं उससे आपको डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे आपको पहले पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मिडिल पार्ट चाहिए, जैसे आपको कोई फीचर्स के बारे में जानना हो या कुछ कंप्यूटर गेमिंग के बारे में आप सर्च मारो और आपको गेमिंग से रिलेटेड जानना हो, उससे पहले जो है उसको जैसे लैपटॉप का वो रिव्यू कर रहा है उन लोगों को उस सब के बारे में नहीं जानना हो, तो आप जो है ऑटो चैप्टर्स के थ्रू सीधा आप अपने जो जिसको जानने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो ये जान सकते हैं। तो ऑटो चैप्टर से फ़ायदा यही होगा जो आपका जो आप जो देखना चाहते हैं वो डायरेक्टली हो जाएगा, और ये जो है सबके चैनल में ही ये जो फीचर्स है वो इनेबल हो जाएगा। तो YouTube का जो ये 3 नए गजब गजब अपडेट्स आए हैं, तो कैसा लगा आपको अपडेट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।